व्हाट्सएप नंबर बता रहे हैं सर, हाँ जी जो सर, आपको ये लॉटरी की अमाउंट कैश करवा के देंगे 25 लाख रुपए की। जी सर, सर लिख रहा हूँ। 8799। हाँ जी सर, 8799 लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, 8799। हाँ जी, आगे। 29 हाँ जी, 29 7424 72। 7424 ठीक है सर, लिख लिया सर। जी, इस नंबर पे व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप कॉल करें, लॉटरी नंबर 1277 बताएं, हाँ बता जी, के अपना 25 लाख रुपए प्रॉफिट करें। ठीक है सर, ठीक है जी। थैंक यू, नमस्कार। तो अभी अभी मेरे को कॉल आई थी व्हाट्सएप पे, पता नहीं कि कहाँ से इनको नंबर मिल गया। तो मेरे को कॉल कर रहे हैं कि आपको व्हाट्सएप पे लॉटरी ड्रॉ निकला है 25 लाख का। तो आपको मैंने रिकॉर्डिंग दिखा दी है, तो ये देख लो बंदे कितना फ्रॉड बनाते हैं। और मेरे को नंबर भी लिखा दिया है कि राणा प्रताप पता नहीं कौन है, उसके साथ आप कॉल करें तो आपको 25 लाख की लॉटरी आपके बैंक में डाली जाएगी। सो प्लीज़ बी सेफ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये पागल बनाते हैं और आपसे पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह लेंगे और आपको बोलेंगे कि आपका नंबर वगैरह भी मांगेंगे, पर्सनल जो बैंक से के रिलेटेड लिंक है। फिर आपको एक आधा लिंक भेजेंगे, अगर वो आपने ओपन कर लिया तो उसके साथ आपका अकाउंट हैक हो सकता है। सो प्लीज़ बी सेव। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? तो वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, कहाँ पे जाने के लिए? सौरभ भैया के घर जाने के लिए। और मैंने बुआ के लिए जो 2 सेट जार का लिया था वो भी साथ में लेके जा रहा हूँ। चलो फिर चलते हैं सौरभ भैया के घर। तो अभी मैंने दोनों जार ले लिए और बैग में डाल रहे हैं। तो ये सभी बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में, बातें शातें हो रही हैं। ठीक है, करते रहो बातें, मैं जा रहा हूँ। तो ये मैंने डाल लिए बैग में दोनों, और इसी से बैग मेरा हो गया है फुल। तो अभी हमने हेलमेट लगा लिया है सेफ्टी के लिए। चलो चलें फिर, बाय सबको, बाय बाय। फाइनली आधे घंटे बाद मैं घर पहुंच गया हूं बुआ के। तो पीछे गाड़ी है, बुआ बोल रहे हैं कि गाड़ी लेके आ। गाड़ी कहाँ से लेके आऊँ? नहीं, गाड़ी नहीं लेके आनी भाई। और ठीक हो? ठीक हो जी। 2000 कहा था मैं, जोर 2000 ही लेके आया हुआ। मैं 2000 कहा था तुम? मैं तो 2 ही लेके आया। 4 लेने? ठीक है। तो बुआ पूछ रहे हैं कि जार कितने लेके आए, मैं तो 2 ही लेके आया बुआ। और इधर बन रही है घिया तोरी, तो चलो तुड़का लगाते हैं अब इसको। भाभी काट रहे हैं प्याज। तो इधर डल गया है प्याज, टमाटर, तो अभी हमने इसमें ये घिया तोरी जिसको हम राम तोरी कहते हैं वो मिक्स कर दी है। तो इसको थोड़ी धीमी गैस पे छोड़ देते हैं। हेलो भैया, कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। और सेहत बार ठीक है? सब बढ़िया। घर बार? सब बढ़िया। तो अभी मिल रहे हैं सौरभ भैया से, अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो चलो चलते हैं मार्केट। अब लेना क्या है? खाने पीने के लिए बस। तो अभी हम मार्केट आ चुके हैं, तो
थोड़ी बहुत बेकरी का सामान भी लेना था। तो अभी हम मार्केट से आ चुके हैं और हमने जो जो सामान लेना था सारा पीछे हमने रख लिया है, और बेकरी से लेके आए थोड़ा बहुत सामान, और एक चाट पापड़ी वगैरह था वो भी लेके आए हैं। तो अभी घर जाते हैं और भाभी ने खाना वरना बना के रखा हुआ है, तो चलते हैं और खाना खाते हैं। तो अभी हम मार्केट से आ गए हैं, तो अभी बना रहे हैं भाभी खाना, मतलब काली तोरियाँ बनी है ना भाभी, मतलब जिसको हम राम तोरी कहते हैं, और साथ में है दही और आलू, आलू है ना, सील मम्मी ने ना बुआ ने रखा हुआ है बर, तो मम्मी ने मतलब बुआ ने सील बनाई और आलू बनाया हुआ, वो भी खाते हैं छोटे छोटे हाथों से, बड़े बड़े फुलके का छोटे 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 फुलके बन रहे हैं पतले पतले। बुआ देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, तो बालों की थोड़ी सी सेटिंग खराब हो गई क्योंकि हेलमेट पहना हुआ था। बुआ को चलो देते हैं अब बुआ का गिफ्ट, बुआ के जार एक ये दो, बुआ मैं दो जार ही ले आया, और बुआ मेरा ब्लॉग देख रहे हैं क्या था, दो जार है थोड़े लो जोर है थोड़े ही है दोनों, और सौरभ भैया के घर देखो कितना अच्छा लग रहा है, और जार देख रहे हैं सौरभ भैया, भैया अच्छा है इस पे, इसको ऐसे सेट करके रख सकते हैं ना, इसको ऐसे ऐसे रख सकते हैं ना, हाँ वो सोने हैं राजधानी हूँ, चार गए एक सेट च दो है, मैं तो दो, तो मैं तो सेट दो ले आया, सोने लगे ना भाभी सोने सोने ना, मैं कहता होर मंगा लेना दे ते विशाल दे भी लेना फिर थोड़ा घर आना ठीक है, तो अभी सभी ने खाना खा लिया है और सभी रेस्ट कर रहे हैं और खा रहे हैं आइसक्रीम, तो आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी है, कौन सा फ्लेवर है, बटर स्कॉच। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं सुबह। तो अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और भैया अभी तक यहाँ पे सो रहे हैं, उठ जाओ महाराज। तो अभी ये फोटो देख रहे हो आप पीछे, बहुत ही अच्छी है इन दोनों की फोटो, भैया और भाभी की, और ये देखिए कितनी अच्छी फोटो है इन दोनों की, ये भैया मतलब भाभी के घर से जो फोटोग्राफर उन साइड से थी उन्होंने दी है ये बना के इनको, और इनके जो साइड वाले हैं उनकी अभी फोटो वगैरह सब कुछ आना है। चलो अब आपको दिखाते हैं थोड़ी सी भैया की मैरिज की क्लिप, भैया दिखाओ यार लैपटॉप कहाँ है, बैग में, लो भाई खोलो फिर दिखाओ थोड़ी सी, डांस देखना जो डीजे पे गया था हमने, ये
ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭਾਜੀ? ਮਨਾਲੀ। ਓਕੇ, ਮਨਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੀ ਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। Thank you.
अभी हमने थोड़ी बहुत मूवी देख ली है, बाकी हम आके जब घर ले जाएंगे सीधा भैया, ठीक है? लैपटॉप मैं घर ले जाऊंगा, जहाँ पिन ड्राइव में डाल के लेके आए। तो अभी बुआ ने बना दिया है खाना वगैरह सारा, रोटी। बुआ मेरे को बार बार कह रहे हैं कि खाना खा ले, ठंडा हो गया, तो खा लेते हैं। बुआ ठंडा हो गया बुआ? ठंडा ही है। ठंडा ही हो गया। चलो अब खाना खाते हैं पहले। क्या खाए? तो अभी मैंने खाना वगैरह खा लिया और बुआ खाना खा रहे हैं, तो अब चलते हैं घर। चाय पी लो यार, ठंडी हो गई। सवेरे बनाना चाहिए हैं? सवेरे बनाना चाहिए आधा यार। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर को, और बुआ ने मेरे को दिया है शगुन, तो अभी चलते हैं घर। फाइनली हमारी पैकिंग हो चुकी है। भैया भाई भाभी इधर कर रहे हैं काम। चंगा बुआ चलिए। ये हो ये भाभी नहीं। पहुंच चुका हूं घर और मैंने चेंज वगैरह कर लिया, और उतने टाइम मैंने बाइक को हॉर्न वगैरह वो चेंज करवाना था, वो भी करवा लिया है। तो ये मंजे पे आके घूम रहा है, चल नीचे। तो अभी तो खेत में आके मैं बिजी हो गया था, क्योंकि कस्टमर आए हुए थे लगातार, 4-5 कस्टमर पहले ही बैठे हुए थे, तो उनको जो भी पौधे वगैरह गोभी के चाहिए थे वो उखाड़ के हमने उनको दे दिए हैं। तो अभी हम इस पे इधर ये सेमिनस की बैंगनी लगा रहे हैं, तो इसमें रेत डल रहा है। रेत डलने के बाद पानी चलाना है, तो आज फिर से लेट हो जाएंगे। अभी रेत डलना है, जब तक रेत इसको डलेगा मैं इसको होड़ा वगैरह मार लेता हूँ। और अभी सौरभ भैया का फ़ोन आया था कि तूने फ़ोन नहीं किया पहुँच के, क्योंकि मैंने फ़ोन भी नहीं किया था उनको, तो डांट रहे थे मेरे को। तो अभी आज बारिश का मौसम बताया हुआ था, बट मतलब मॉर्निंग में जब मैं सौरभ भैया के घर से निकला था थोड़ी थोड़ी बारिश लग रही, बिल्कुल नाम मात्र, बट आज लगी नहीं है बारिश का, मतलब बताया हुआ था बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लगी, और मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी देख सकते हो कि पंजाब का मौसम अभी कैसा लग रहा है, कुछ इस तरह है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, बहुत अच्छा मौसम चल रहा है इस वक्त। तो अभी अभी मैं खेत से आ चुका हूँ, तो अभी बज रहे हैं 7। तो अभी मम्मी ने बनाई हुई हैं गुडियालियाँ, तो अभी मम्मी बना रहे हैं मक्की की रोटी पापा के लिए, बट हम तो फुलके ही खाएंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगता तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आपको आज मैंने सौरभ भैया की शादी की थोड़ी सी वीडियो भी दिखाई है, उसके बारे में बताना कि कैसी लगी आपको। सो मिलते हैं कल। गुड नाइट।